नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 75 जिलों की 75 खबरों की। डॉक्टरों ने बताया मच्छरों से बचने का तरीका। मेरठ मेडिकल कॉलेज में संचारी रोग रोकथाम जागरूकता अभियान। फातिमा कॉन्वेंट पर चश्मा हुआ नोटिस, आरटीआई में की धांधली। अभिभावकों से बोले, अल्पसंख्यक समुदाय का स्कूल है। मेरठ में धू धू कर खाक हुई केमिकल फैक्ट्री। फायर ब्रिगेड की टीम बुझाती रही आग। फैक्ट्री में केमिकल के ड्रम फटते रहे। मथुरा में बेटे ने की थी मां की हत्या, लूट और मर्डर के लिखवाई थी झूठी रिपोर्ट। पिता से चल रहा था विवाद। चंदौली में नगर पालिका सभासदों ने ईओ के खिलाफ खोला मोर्चा। चेयरमैन बोले 67 लाख की लापता। मैनपुरी में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। मायके वालों का आरोप, दहेज के लिए करते थे परेशान, पीट पीट कर मार डाला। सास ससुर से झगड़े के बाद बहू ने लगाई फांसी। मृतका का पति गुजरात में करता है प्राइवेट नौकरी। देवर से प्रेम प्रसंग की बात। ग्रेटर नोएडा में तमंचे की नोक पर लूट। दुकान में घुसकर मनी ट्रांसफर। संचालक को गन पॉइंट पर लेकर की लूट। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। भदोई में एसपी ने किया बड़ा फेरबदल। 16 इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के बदले कार्य क्षेत्र। तत्काल पहुंचने के दिए निर्देश। संभल में ट्रांसफार्मर फटने से बड़ा हादसा। मकान की छत पर सो रहे परिवार के 3 बच्चों सहित 6 लोग झुलसे। हायर सेंटर रेफर। बस्ती में डेटा एंट्री ऑपरेटर से मारपीट। बिना अभ्यर्थी के आए डीएल के लिए बायोमेट्रिक का बनाया दबाव। बिहार से आकर यूपी में करते थे चोरी। सिंचाई विभाग के निर्देशक की स्कॉर्पियो सहित 2 चोर अरेस्ट। ट्रेन से आते थे गाड़ियां चुराने। देवरिया में बेरोजगारों से फ्रॉड करने वाला गिरफ्तार। बैंक का लोन एजेंट बनाकर बेरोजगार युवकों से करता था ठगी। रायबरेली में युवक की पिटाई का वीडियो आया सामने। युवक को कई लड़कों ने लात घूंसे मारे, गाली देने का भी आरोप। मेरठ में भाजपा कार्यकर्ता को दिन दहाड़े मारी गोली। 2 मिनट में बाइक सवार 2 बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। दिल्ली ग्वालियर ट्रैक पर जल्द बिछेगी नई लाइनें। आगरा में 87 दिन तक चला 23 गांवों के किसानों का आंदोलन। रेलवे ने किया समझौता। महिला टीचर ने छात्र से की बर्बरता। पहले बुरी तरह से पीटा, फिर भी गुस्सा शांत नहीं हुआ तो मुंह में डाला डंडा। हरदोई की सुखेता नदी में मिला युवक का शव। शराब के बगैर रुपए छीनकर हत्या करने की आशंका। पुलिस ने किया हत्या से इनकार। बिजनौर में परामर्श केंद्र ने 2 परिवार को मिलाया। टूटने की कगार पर पहुंच चुके थे दोनों परिवार। 4 मामलों की हुई सुनवाई। देवर ने की फावड़े से काटकर भावी की हत्या। नल पर मुंह हाथ धो रही थी महिला, पीछे से देवर ने किया हमला। मैनपुरी में धोखाधड़ी करने वाला ठग गिरफ्तार। ठग से हार्ड डिस्क, बायोमेट्रिक मशीन, नकदी बरामद। पुलिस ने भेजा जेल। बस्ती में लेखपाल ने बंजर जमीन पर कराया कब्जा। युवक ने उठाई आवाज। एसपी ऑफिस के सामने सड़क पर धरने पर बैठा। नशे में धुत तो युवक ने बस ड्राइवर को पीटा। होमगार्ड पर बिना कार्रवाई के युवक ने लगाई न्याय की गुहार। मऊ में लूट के 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपी के पास से 70,000 रुपए बरामद। अमेठी के एसपी रात में बाजार शुक्ल। थाना पहुंचे गंदगी देख हुए नाराज, एसओ को लगाई फटकार। गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई। मथुरा पुलिस ने 2 गैंगस्टरों के खिलाफ की कार्रवाई। 1,90,00,000 की संपत्ति जब्त। मुजफ्फरनगर में जबरन बंद कराया दलित की बारात का डीजे। बोले शोर से हमारे बकरे डर रहे हैं। लाठी डंडे चले, लड़की समेत 8 पर एफआईआर। संभल में जीजा साले समेत 4 की मौत। 130 किलोमीटर प्रति आवर स्पीड से टकराई 2 बाइकें। 2 युवक जिंदगी मौत से जूझ रहे। अंबेडकर नगर में बस में धक्का लगाने का वीडियो आया सामने। आजमगढ़ से लखनऊ आ रही थी बस, यात्रियों से लगवाया धक्का।
जौनपुर में रास्ते के विवाद को लेकर मारपीट, जिला पंचायत सदस्य सहित दो लोग घायल, खेत से जेसीबी द्वारा मिट्टी निकलवाने का विवाद। कौशाम्बी में नहर में मिला युवक का शव, मौके से बाइक भी मिली, ग्रामीण बोले किसी गाड़ी की टक्कर से नीचे गिरा होगा। कन्नौज में रेप के आरोपी की घर हुई कुर्की, 2019 में किया था रेप, कोर्ट में भी नहीं हुआ था पेश। फिरोजाबाद में अमन चैन के लिए उठे हजारों हाथ, कुर्बानी की फोटो सोशल मीडिया पर नहीं डालने की अपील, पुलिस तैनात। झुग्गी झोपड़ी में पति पत्नी बनकर छुपे थे नक्सली, बिहार एसआई ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट से किया गिरफ्तार, 50,000 का था इनाम। ग्रेटर नोएडा में बोरे में मिला युवती का शव, बंद कमरे में 3 दिन से पड़ा था शव, बदबू आने पर हुई जानकारी। आगरा में शांतिपूर्ण तरीके से मनाई जा रही ईद, कड़ी सुरक्षा के बाद मस्जिदों में हुई नमाज, ताजमहल पर ड्रोन से निगरानी। पुलिस के सामने बाप बेटी की गोली मारकर हत्या, कपड़ा कारोबारी और पूर्व प्रधान गुट के बीच चोरी के झगड़े में हुई फायरिंग, 6 घायल। चित्रकूट में सचिवालय बना नाच का अड्डा, मकरी पहरा का पंचायत सचिवालय, पूरी रात लगते रहे ठुमके। पति के दोस्त ने रेप कर बनाया अश्लील वीडियो, महिला बोली वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई बार किया रेप। गोंडा में बीमारी से परेशान युवती ने लगाई फांसी, भाई खेतों में काम कर रहा था, मां घर में नहीं थी मौजूद। बेकरी की दुकान में लगी आग, दीवार गिरी, आग के आगरा के थाना छत्ता क्षेत्र में सुबह अलग अलग स्थानों पर हुए 2 हादसे। गोरखपुर लखनऊ हाईवे पर पलटी कार, 2 दोस्तों की मौत, गाड़ी से पार्टी करके लौट रहे थे 3 दोस्त, तीसरे की हालत गंभीर। मुरादाबाद में धू धू कर जलने लगी कार, पीली कोठी चौराहे पर कार में लगी आग, महिलाओं ने भागकर बचाई जान। एनटीपीसी के हाई टेंशन लाइन के टावर पर चढ़ा युवक, चिल्लाते हुए दी कूद जाने की धमकी, पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से 2 घंटे बाद उतारा। बागपत में घर वालों को नशे की दवा खिलाकर युवती फरार, इलाज के 1.5 घंटे बाद आया होश, पिता ने कहा पुलिस बेटी को ढूंढ रही। अलीगढ़ में सकुशल संपन्न हुई बकरी ईद की नमाज, लाखों लोगों ने की मुल्क में चैन अमन की दुआ। अमेठी में चोरों ने कोतवाली के सामने गुमटी को बनाया निशाना, चोरों ने 1,000 रुपए के सामान और नकदी पर किया हाथ साफ। औरैया में पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर की थी रिटायर्ड टीचर की हत्या, पुलिस ने की पूछताछ में हुआ खुलासा। अलीगढ़ में बकरीद पर एएमयू कब्रिस्तान में ताले लगने पर लोगों में आक्रोश, नमाजियों ने ईंटों से तोड़े ताले। पत्नी ने सिखाया सबक, सिपाही पति की करतूतों का वीडियो बनाकर किया वायरल, रंगरलियां मनाते पकड़ा गया तो जमकर पीटा। मैनपुरी में चला बिजली चेकिंग अभियान, चेकिंग अभियान से मचा हड़कंप, कई लोग बिजली चोरी करते पाए गए। मथुरा मंडलायुक्त ने किया गोवर्धन का दौरा, मंडलायुक्त ने लिया मेले की व्यवस्थाओं का जायजा, अधीनस्थ अधिकारियों को दिया दिशा निर्देश। मैनपुरी में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने अंतरजनपदीय चोर गैंग के सरगना को किया गिरफ्तार। संत कबीर नगर में देश के भविष्य के साथ किया जा रहा खिलवाड़, बच्चों को स्कूल में शिक्षा देने के बजाय धुलवाए जा रहे थालियां। अम्बेडकर नगर में बकरी ईद की नमाज के लिए लोगों का उमड़ा हुजूम, शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार मनाने को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था। कन्नौज में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, आए दिन पत्नी के साथ करता था मारपीट, भाई ने पत्नी पर लगाया हत्या का आरोप। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साधना गुप्ता को दी श्रद्धांजलि, मुलायम और परिवार वालों से मिलकर संवेदना व्यक्त। सिद्धार्थनगर में कोठेदार की मनमानी से ग्रामीण त्रस्त, गरीबों के निवाले पर डाल रहे डाका, विरोध करने पर महिलाओं से करते हैं अभद्र व्यवहार। गोंडा में गिरी कंपोजिट विद्यालय की छत, 1 घंटे बाद खुलने वाला था विद्यालय, बीएसए ने दिए जांच के आदेश। बकरीद पर नमाज अदा कर मुल्क में शांति के लिए की दुआ, झांसी में चप्पे चप्पे पर तैनात रही पुलिस, डीएम एसएसपी खुद सड़कों पर घूमे।
अमरोहा में 104 ईदगाहों में बकरीद की नमाज अदा हुई। 133 मस्जिदों में भी की गई प्रार्थना, देश के लिए मांगी दुआएं। एसपी ने बच्चों से मिलाया। बुलंदशहर में दो दिन से गायब छात्र का शव मिला, 2 साल के मासूम का शव अलीगढ़ में मिला, स्कूल से हो गया था गायब। गांव के बाहर पेड़ से लटकता मिला किशोर का शव, गोंडा में परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, देर रात निकला घर से। महोबा में सरकारी स्कूल की छत पर शराब पार्टी, डीजे लगाकर युवकों ने जमकर किया डांस, ग्रामीणों ने रोका तो झगड़ा करने लगे। फरुखाबाद में पुलिस के पहरे में नमाज अदा की गई, जिले को एक सुपर जोन, 2 जोन और 23 सेक्टर में बांटा गया। उन्नाव की टोटियों से आ रहा है लाल पानी, जनता बोली कभी टोटियों से गंदा कभी झाग वाला आ जाता है पानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विवादित होल्डिंग मामला, अज्ञात के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर, सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही। हापुड़ में इंस्पेक्टर से ठगे 48,000 रुपए, व्हाट्सएप पर आई थी वीडियो कॉल, महिला ने वायरल करने की धमकी देकर हड़पे रुपए। काशी की मस्जिदों ईदगाहों में 2 साल बाद लौटी रौनक, अमन की दुआ के साथ दिया भाईचारे का पैगाम। कावड़ यात्रा मार्गों पर खुले में मास्क की बिक्री पर लगेगी रोक, यूपी में योगी सरकार कर रही तैयारी। कोठेदारों को तोहफा देने की तैयारी, गोरक्ष नगरी में मुख्यमंत्री योगी कर सकते हैं ऐलान, 14 जुलाई को करेंगे संवाद। एटा में छात्रा की मौत पर आक्रोश, परिजनों ने सड़क पर लगाया जाम, आरोप दबंगों ने पीड़िता को किया था आग के हवाले। इटावा में बेटे ने तमंचे से की फायरिंग, मां की मौत शराब के नशे में था आरोपी, बड़े भाई ने दर्ज करवाया मुकदमा। विस्फोट मामले में चौकी प्रभारी, दो सिपाही लाइन हाजिर, अयोध्या में 9 बोरी बरामद, पुलिस बताती रही सिलेंडर फटा। बदायूं के बिसौली में दबंगों ने दुकानों में की तोड़फोड़, बाइक पार्क करने को लेकर हुआ था विवाद, 6 लोग घायल। पिछहत्तर जिलों की 75 खबरों में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।